शांति।
वेलकम टू अव्यक्ति परिवार। ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्ति परिवार में। सदा खुश। इसमें आज 6 दिसंबर है। आज का विषय है अपनी विशेषताओं की स्मृति। अभी हम सुनेंगे मोहिनी दीदी से। Om Shanti, everyone. Om Shanti, sabhi ko. So, Baba explains us. तो बाबा हमें समझाते हैं कितने प्रकार की खुशियां है, खुशी है। We have to reflect on, हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि खुशी स्वयं के साथ किसको कहेंगे? क्या मैं अपने साथ स्वयं के साथ खुश हूँ? कभी कभी मैं अपने साथ ही थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हूँ, या क्या मैं अपने साथ सदा खुश रहती हूँ? मैं समझती हूँ कि बाबा हम सभी को, हर एक को बहुत प्यार करते हैं। और बाबा क्योंकि हम हर एक से प्यार करते हैं, तो मैं खुश हूँ क्योंकि बाबा मुझे प्यार करते हैं। So when there is love from Baba, और क्योंकि बाबा से प्यार प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए हर एक आप से प्यार करते हैं, क्योंकि वास्तव में तो हर एक जो है वो हर एक से प्यार करते हैं। तो क्यों ऐसा होगा कि मैं स्वयं से खुश नहीं हूँ? और मेरे अंदर भी सभी के प्रति बहुत ही अच्छी भावनाएं हैं, सभी के प्रति सम्मान है, मैं सभी के साथ स्नेह से रहती हूँ। तो इतनी सारी हमारी विशेषताएं हैं, हर एक में इतनी सारी विशेषताएं हैं, तो कभी भी अपने आप से नाराज नहीं होना है और दिल शिकस्त नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, छोटी छोटी बातों में उदास नहीं होना है। क्योंकि बाबा कह रहा है कि जो वाइब्रेशंस आप फैलाते हैं जब आप खुश रहते हैं, खुश है तो जो उससे वाइब्रेशंस फैलाते हैं वो दूसरों को भी शांति और शक्ति भरती है, दूसरों में उन वाइब्रेशंस के कारण औरों में शांति और शक्ति भरपूर होती है। तो हम सभी को, हर एक को बहुत बहुत खुश रहना है। ये संभव है? हम कर सकते हैं ऐसा? हाँ, कर सकते हैं। बाबा ने कहा इसमें कुछ भी आपका खर्चा नहीं होता है, आपको कुछ नहीं देना पड़ता है। और इस खुशी में दो बातें हैं, एक तो चेहरे पे जैसे अलग ही एक चमक दिखाई देगी, और दूसरा उसमें बहुत ही मैत्रित्व का भाव होता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा फ्रेंडली जैसे लगते हैं, तो आपके साथ आ सकते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो एक ऐसी भावना
इमर्ज होती है कि लोग आपके नजदीक आ सकते हैं. अगर आप मुस्कुराते नहीं हैं तो हर एक को लगता है कि पता नहीं मैं इनसे बात करूं, कुछ बोलूं, कुछ नहीं बोलूं, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है उसमें, तो बातचीत करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है. तो मुझे पता है कि इसमें बहुत पुरुषार्थ है, लेकिन ये करना चाहिए. इसमें बहुत सेवा समय हुई है. So few minutes of silence is good because then you are able to reflect, right? तो कुछ समय के लिए ऐसी silence भी अच्छी है ताकि आप थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं यहाँ पर फिर उसका हमें महसूसता भी होनी चाहिए, realization होना चाहिए. मैं भी जब बात कर रही हूँ तो सोच भी रही हूँ. ऐसे नहीं कि मुझे केवल बस स्पष्ट होना है, लेकिन मुझे रहना भी है स्वयं के साथ बहुत कुछ, जो कि मैं विशेषता रहती हूँ, क्योंकि ये जो बाबा को हम बिलोंग करते हैं, इतना ज्ञान प्राप्त किया है बाबा, हमें निमित्त इंस्ट्रूमेंट्स की तरह यूज कर रहा है, तो कितने सारी बातें हैं जिसके कारण हम खुश रह सकते हैं. इतना भाग्य मिला है, जीवन की जो भी आवश्यकता है बाबा पूरी कर रहे हैं. Now it's not just happiness for the self. और अभी ये नहीं है कि सिर्फ स्वयं के प्रति खुश, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सभी को खुश देखें, सभी को खुश करें, हमेशा बात करने के लिए रेडी, उनके उनका अच्छा सोचने के लिए रेडी, उनसे कम्युनिकेट कर सके, ऐसी हमारी स्थिति हो. कभी कभी इतने कोई कोई इतने मुश्किल होते हैं कि उनको हम खुश ही नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप खुश रहते हैं तो आप अवश्य ही औरों को भी खुश कर सकते हैं. और विशेषता कोई भी प्रकार की सेवा अगर हम करते हैं तो वो भी हमें खुश करती है, चाहे वो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा है. तो सेवा से सेवा के कारण सेवा बहुत खुशी को लेकर आती है, खुशी की महसूसता होती है. तो बाबा कहते हैं कि जब आप स्वयं से खुश होते हैं, दूसरों से खुश होते हैं और सेवा से भी खुश है, तो बाबा भी आपसे खुश है. और जब बाबा आपसे खुश है तो क्या होता है, उसमें सिद्धि समाई हुई है.
जो कुछ आप करेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि सबसे पहले रुकावट जो है वो स्व से आती है. As soon as self is not happy, obstacle comes. जैसे ही स्व से हम खुश नहीं है, तुरंत कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आती है. अगर दूसरे फिर खुश नहीं है तो वो एक दूसरी रुकावट, फिर वो सेवा में भी रुकावट बनती है, तो हर प्रकार से फिर रुकावटें आती रहती है. और फिर उसको महसूस नहीं होगा कि मैं सफलता मूर्त हूँ. तो हम क्या करेंगे कल, हम ये प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे, प्रयोग करेंगे कि ये कैसे काम करती है. कोई कोई परिस्थिति में आपको शायद थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन हमेशा याद रखना है, दृढ़ता है तो सफलता साथ है. तो दृढ़ता रखो और एक दिन आपको वो सफलता प्राप्त हो जाएगी, आप अवश्य ही उसको प्राप्त कर लेंगे. कभी भी हार नहीं माननी है, छोड़ नहीं देना है. जैसे बाबा ने कहा कि जब तक हम संपूर्ण नहीं बन जाते और फिर तब तक तो फिर बाबा भी हमसे खुश रहेंगे ना. बाबा बात करते रहते हैं रूहानी शांति की, रूहानी शक्ति की, रूहानी खुशी की. क्योंकि खुशी ये भी हो सकती है कि मुझे कुछ मिला तो मैं बहुत खुश हूँ उसके बारे में. बाह्य चीज भी हो सकती है, एक्सटर्नल चीज भी हो सकती है. और बाबा तो रूहानी खुशी की बात कर रहे हैं. जाते नहीं है, लेकिन अगर आप कोई स्थान पर जाएंगे, जैसे लौकिक लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, या कई घूमने जाते हैं, वो अलग प्रकार की खुशी है. लेकिन ये आंतरिक स्तर पर खुशी की महसूसता है. मुझे याद है कि कभी भी हम कहीं भी जाते थे तो हमारा यही लक्ष्य होता था कि मैं यहाँ सेवा निमित्त आई हूँ. ये जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान सुनाने का मौका मिले, लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो खुशी है, आपका बाबा के प्रति जो प्यार है, तो आप उससे सेवा कर रहे हैं. जब मैं ज्ञान में आई तो दीदी मनमोहिनी कहा करते थे कि जहां भी आप जाते हैं आपको सेवा करनी है. तो उस समय हम सोचते थे कि हमें ज्ञान देना है, लेकिन कई होते हैं जो लोग अभी रेडी नहीं है उस ज्ञान को सुनने के लिए. लेकिन हमारी प्रेजेंस, हमारे वाइब्रेशंस, हमारी पवित्र भावनाएं, ये भी बहुत सेवा करती है. और फिर हमने देखा कि जो कुछ भी हम संकल्प से, वाचा से या कर्म से करते हैं, तो जैसे कि बीज बो रहे हैं और सही समय पर वो बीज जैसे फलीभूत होगा. हर बात का अपना समय होता है. कई आत्माएं वो ज्ञान लेती है फिर छोड़ देती है, जैसे कहते हैं हम स्पिरिचुअल वेकेशन, मतलब रूहानी छुट्टी पर, और फिर अचानक उनको याद आता है, वो वापस आते हैं 10 साल के बाद, कभी 15 साल के बाद, और वो आते हैं और उनको बस एकदम समर्पित होना होता है बाबा से, क्योंकि उनको पता है कि ये सत्य है, लेकिन वो अभी उस चीज के लिए रेडी नहीं है. लेकिन हमारा जो निरंतर प्यार है उनके प्रति, उसके कारण जैसे कि दरवाजे सदा खुले हैं,
मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई तो मैंने पहला पहले पहले यही कहा कि ओ अभी नहीं, मैं बस 11 साल की हूँ. लेकिन जब भी मैंने निर्णय लिया कि यही रास्ता है, यही सही है, तो मैंने मैंने 15 साल की आयु में कोर्स लिया और मैंने 22 साल की उम्र में बाबा को सरेंडर किया. और उस समय से मैं बाबा की हूँ. मैंने कहा स्वयं को कि मैं सिर्फ परमात्मा सेवा पर हूँ. तो बीज बोना आवश्यक है और फिर उसके बाद तो अब बस जल देते रहो. हमारी जो शुभ भावनाएं वो जैसे कि सूर्य का प्रकाश होता है ऐसे काम करती है. और फिर सही समय पर हम देखते हैं कि बहुत सुंदर एक वृक्ष उससे इमर्ज हो रहा है, उसमें बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं. तो खुश रहने के लिए भी मुझे हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरी विशेषताएं क्या है. इसको कई कहेंगे कि अहंकार है खुद की विशेषताओं के बारे में सोचना. जब हम छोटे थे तो एक बार मनमोहिनी दीदी ने कहा कि हर एक को बताना है कि आपकी दो विशेषताएं क्या है. तो हमने सोचा कि मैं कैसे खुद की विशेषताएं बता सकती हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं, अंदर जाओ, गहराई में जाओ, सोचो और बस दो स्पेशलिटीज अपनी बताओ. और ऐसे ही बाबा भी आज हमसे कह रहा है कि खुद की जो विशेषताएं हैं उनको देखो, क्योंकि फिर आप औरों की भी विशेषताएं देख सकेंगे. और मुझे लगता है कि हर एक आत्मा बहुत सारी उनमें विशेषताएं हैं. कई बार ऐसा होता है कि तुरंत आदत होती है तुरंत कि इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमजोरी है, इस आत्मा में क्या गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे हमें सिखाया है ना. लेकिन अभी उसकी विशेषता को अप्रिशिएट करना, बस हर एक की क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना. और जब आप उनकी विशेषताओं को सराहते हैं तो उनको बहुत हिम्मत भी मिलती है और मेरे लिए भी बहुत अच्छा है. क्या सही है ये हमें पहले देखना है. क्या अच्छा काम करना कर रहा है उसको देखना है. लेकिन हमारी आदत क्या होती है कि सही क्या काम नहीं कर रहा है, क्या है जो सही से काम नहीं कर रहा है. तो वो हम उसको देखते हैं और फिर थोड़ा हैवी हो जाते हैं और हमें लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है. पर ये सही नहीं, ये वास्तविकता नहीं है. बहुत सारी चीजें काम कर रही है, बस कुछ एक दो चीज होती है नहीं काम कर रही, उस पर हमें काम करना है. दादी प्रकाशमणि का यही स्लोगन था कि 98% सब कुछ ओके है, बस 2% ऐसा है कि कभी कभी वो ठीक नहीं होता है. लेकिन वो 2% पे हम इतना फोकस करते हैं कि बस हमें लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है. ये एक्चुअली बहुत बड़ा काम जैसे खुद को दे देते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा. लेकिन हमेशा ये सोचना ज्यादा अच्छा है कि क्या काम कर रहा है, और फिर जो नहीं कर रहा है उसको हम बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे. तो इन विशेषताओं को देखते हुए, हर एक में इन विशेषताओं को देखते हुए हमें भी बहुत सहयोग मिलने में आसान रहेगा, आसानी से सहयोग प्राप्त होगा. और क्योंकि हर कोई कोई ना कोई बात में विशेष है, तो और अगर हम सब मिलकर करेंगे, सहयोगी बनकर करेंगे, तो वो कार्य आप ही पूरा हो जाएगा. लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं इसमें ये नहीं, इसमें वो नहीं, ये सही नहीं, वो सही, तो फिर अकेले करना पड़ेगा, राइट? सहयोग तभी मिल सकता है
जब मैं औरों की विशेषताओं को देख सकती हूँ कि हाँ आप ये कर सकते हो, और फिर आप उस आत्मा को ट्रस्ट कर सकते हैं. मुझे लगता है कि आपको बाबा के बहुत सारे ऐसे हैंड्स मिलेंगे जब आप ऐसे विशेषताएं देखते हैं. यहाँ कभी किसी की गलती की पॉइंट आउट नहीं करना है, क्योंकि हर एक को पता तो है ना कि मुझे और अच्छा होना है, मुझे इसमें और अच्छा बनना है. हर एक को पता है कि मैं थोड़ा अधैर्य हो जाती हूँ तो मुझे धैर्य को धारण करना है, कभी मैं हिम्मत हार जाती हूँ तो मुझे और हिम्मत चाहिए. लेकिन ये कहना कि नहीं, आप में एक्चुअली बहुत करेज है, आप सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहते हैं, तो इस तरह से आप दूसरी आत्माओं को मदद करते हैं. हाँ, उनकी उन्नति होती है, वो आगे बढ़ते हैं. तो जब बाबा कहते हैं कि आप ये स्मृति रखो, तो विशेषताओं की स्मृति रखो, तो स्वयं की, स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति. भले मैं कभी कभी कहती हूँ कि ड्रामा इतना वंडरफुल है, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि बाबा आप तो जादूगर हो. जैसे कल मैंने कहा कि भगवान आप बहुत अमेजिंग हो, इतने गुप्त है, दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी सब कुछ करते हैं. कैसे करते हैं वो तो उसको ही पता है. तो अपने दिल में यही रखना है बस, तो दिल भी भरपूर रहेगी, बहुत अच्छे अच्छे संकल्पों से, भावनाओं से भरपूर, और उस भरपूरता के कारण भी बहुत खुशी हमारे जीवन में आती है. तो सदा खुश रहना और होमवर्क करना है. Happiness of self, others. स्वयं से खुश, सर्व से खुश, और सेवा से भी खुश, और बाबा भी खुश रहेगा, तो आपको वरदान मिलेगा सर्व सिद्धि का, सफलता मूर्त का. ओम शांति. ओम शांति. Another beautiful evening. Happy evening. So yes, today also we will be having आज भी हम अव्यक्ति एंजल से मिलेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपनी अव्यक्ति जर्नी करेंगे. Little young अव्यक्ति एंजल्स, they are coming and sharing their beautiful experiences. So welcome to अव्यक्ति journey, Adi Radhan. As it was in the beginning, so it will be at the end. Adi Ratan. Ye Kolkata Baba ki gaddi purani, yahan shuru hui is yagy ki. Shanta Mani ji, from an early age,
दादी शांतामणि जी बहुत बचपन से ही जैसे सत्संग से प्यार था उनका, वो बहुत गंभीरता से और सिंसियर और सादगी से ऐसे भरपूर थे. In the beginning of the yagya, Baba. यज्ञ के शुरुआत में ब्रह्मा बाबा कश्मीर गए एकांतवासी बनने के लिए, और उस समय दादी शांतामणि जी के जो लौकिक पिता है उन्होंने बाबा से मुलाकात की. बाबा की आंखों में गहन शांति का अनुभव किया. उनकी स्नेह भरी दृष्टि से बाबा ने उन्हें कहा, सिकल दे बच्चे, मैं आपके लिए आपको ढूंढ रहा था, मैं आपको देख रहा था. तो दादी के पिता जो है वो सुन करके बहुत जैसे आश्चर्यवत हुआ, और उन्होंने सोचा कि हम तो एक ही एज के हैं, तो फिर बाबा मुझे बच्चा क्यों कह रहा है, और बाबा मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, मेरे लिए क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रहा है, मेरे लिए क्यों देख रहे थे. तो उन्होंने फिर बाद में महसूस किया कि वास्तव में शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा उनसे बात कर रहे थे. और इस मुलाकात के बाद दादी शांतामणि जी के साथ उनके पिता के साथ उनकी संपूर्ण जो उनका परिवार है वो बाबा को जैसे संपूर्णता से समर्पित हो गए, मन बुद्धि और धन से, तन मन धन से वो मंडली को समर्पित हो गए. Once, Baba with his hands drew a picture of the divine. एक बार बाबा ने अपने हाथों से दिव्य संसार का पिक्चर बनाया और पुराने विश्व का. तो उसमें फिर बाबा ने दादी शांतामणि जी से पूछा कि अभी आप बताओ कि आपको कहाँ जाना है, दैवी संसार में या पुराने संसार में. Intellect. तो दादी की बुद्धि ने तुरंत ही जैसे निर्णय लिया कि मुझे दैवी संसार में जाना है. बाबा ने कहा कि अगर आपको दैवी संसार में जाना है तो आपको देवता बनना पड़ेगा, देवताओं जैसा बनना पड़ेगा, दैवी गुणों की धारणा करनी होगी और पढ़ाई पढ़नी होगी. और उस दिन से लेकर जैसे दादी शांतामणि जी पढ़ाई से और देवी संस्कारों से उनका जैसे स्नेह अधिक बढ़ गया. कल्प वृक्ष के चित्र में दादा शांतामणि जी अष्ट रत्नों में एक है जो वहां बैठे हुए हैं मम्मा और बाबा के साथ. तो एक दिन बाबा ने दादी से कहा, बच्ची जब से आप यज्ञ में आई हो आपने बहुत सारी विशेषताएं दिखाई है, आपके आपका जो शांति से भरपूर नेचर है उसके कारण आपने बहुत सारी विशेषताएं दिखाई है, और इसलिए बाबा आपको ये नाम दे रहा है सचली कौड़ी और हर की पौड़ी. हर की पौड़ी ये एक बहुत ही विशेष स्थान है गंगा नदी का, जहाँ पानी एकदम स्थिर रहता है. वहां पर भक्त आत्माएं बहुत दूर दूर से जाती है उसमें डुबकी लगाने के लिए और अपनी जो प्यास बुझाते हैं. तो ऐसे स्थान को हर की कौड़ी कहते हैं. दादी ने हमेशा जो भी मधु बनाते थे उनको शांति और शक्ति का वरदान दिया है. दादी ने बहुत ही विशेष और सुंदर पार्ट प्ले किया है सेवा में. शांति वन की निमित्त थे वो, अपनी शांति की शक्ति से उन्होंने शांति वन को बहुत अच्छे से सींचा है. और जब शांतामणि दादी जी ने शरीर छोड़ा तो उस समय शशि बहन द्वारा बहुत ही विशेष भोग मैसेज आया, जैसे कि एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रंग भरा और सुंदर जैसे कर्टन सामने आया,
और ये जो पर्दा है ये धीरे धीरे खुलता है और वहां पर एक एक स्टेज जैसा है, प्लेटफॉर्म है और दादी वहां बैठी हुई है। There were decorated angels. और उनके इर्द गिर्द बहुत सुंदर सजे हुए फरिश्ते खड़े थे उस प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द। दादी को बहुत सुंदर रीति से सजा रहे थे और धीरे धीरे जैसे दादी शीतला देवी जैसे दिखाई देने लगी, शीतलता की देवी। का स्वरूप इमर्ज हुआ और कुछ कुछ पलों के बाद बाबा वहां पर दिखाई दिए। बाबा ने कहा, ये बच्ची बाबा की आदि रत्न है, इसकी विशेषता यह है कि उसका संपूर्ण परिवार यज्ञ में आया शुरू से और बहुत यज्ञ में सेवा की है, लेकिन ये सबसे न्यारी थी, सभी से परिवार में जितने थे उन सबसे न्यारी थी। बच्ची में ये संस्कार थे शांति के, धैर्यता के, गंभीरता के पहले दिन से। जो दूसरी विशेषता थी बच्ची की वो ये थी कि वो हमेशा हाँ जी बाबा कहती थी, कुछ भी चीज है उसके लिए हाँ जी बाबा कहती थी। उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सुख से, प्यार से, स्नेह से जिया है, कभी किसी की कंप्लेंट या किसी की कमजोरी को बाबा के सामने हाईलाइट नहीं किया है। जो कुछ उससे पूछा गया उसने वो उसको बहुत प्यार से और भावना से पूरा किया। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर of godly attainments. Souls who are full of the fruit of godly attainments and spiritual happiness. विशेषताओं की स्मृति, तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? आत्माएं जो सदा भरपूर है परमात्मा प्राप्तियों से और रूहानी खुशी से, वो सदा दूसरों को भी खुशी देते हैं और शांति शक्ति का अनुभव करते हैं। तन और मन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहता है। Awareness of specialties. So, what will you do to be happy? Use your specialties and they will increase. Thank you.
Then, when you develop all of them, you will become full, and the basis of happiness is fullness. Vicious Donkey Smoothie. तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को काय में लगाओ। वृद्धि हो जाएगी और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। शांति।